ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। शेयर करती हूँ स्क्रीन। आया था अब सबका ये आंसर, मैच हो रहा है अब। ठीक है, इसको मैं भी चेंज कर देती हूँ। डेटा, व्हाट इफ, गोल सीक, इसको करना है 0 बाय चेंजिंग दिस। ठीक है, मैच कर लो आंसर्स। मैच कर लो। एम आई ऑडिबल? नेक्स्ट पार्ट। द इन्वेस्टर डज नॉट हैव इनफ कैपिटल टू कवर द आउटगो फॉर प्रोजेक्ट बी एंड सो डिसाइड्स टू बोरो 7.5 फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, द लोन विल बी रीपेड ओवर 20 ईयर्स, लेवल रीपेमेंट्स विल बी मेड एनुअली इन अरियर्स एंड द बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स एंड 14% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो अब प्रोजेक्ट बी का ही बात करेंगे, तो उसमें उन लोग के पास इतना रुपया नहीं है शुरू में, 8 लाख जो भी है उतना देने का। तो ये वाला दिखा, हाँ ये दे दे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, सो दे डोंट हैव इनफ मनी, दे विल टेक अ बैंक लोन एंड दे विल बोरो 7.5 फ्रॉम अ बैंक एंड उसको 20 ईयर्स में वो रीपे करेंगे। सब कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनुअल लोन रीपेमेंट्स, निकाल लो, लोन शेड्यूल बनाने बोल रहा, और कुछ नहीं करो। चलो इसको बनाते हैं। कहीं पे भी क्या ये बोला है कि आपको लोन शेड्यूल बनाना है? हैव यू ऑल स्टार्टेड मेकिंग द लोन शेड्यूल? यस, देन यू डोंट हैव टू, बिकॉज उन्होंने क्लियरली बोला ही नहीं लोन शेड्यूल बनाना है नहीं बनाना है, तो आप क्यों बनाओगे? 5 मार्क्स के लिए इतना मेहनत? आप अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप करो, बट आई डोंट थिंक कि इतना लोन शेड्यूल बनाने का हमें जरूरत है। सो इट्स फाइन, अगर आप बना चुके हो इट्स फाइन, नॉट एन इशू। लोन अमाउंट अपना है 75, 7 लाख 50। इंटरेस्ट कितना बोला है? 12% है फॉर 10 ईयर्स एंड 14% फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, ये मैं जानबूझ के ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि ये काम आएगा ना एनुइटीज निकालने में। ठीक है, 20 ईयर्स का हमारा लोन है, तो रीपेमेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? रीपेमेंट कैसे निकलेगा? 7.5 इज इक्वल टू 7 लाख 50 थाउजेंड इक्वल्स टू, लेट्स सपोज एक्स इज द एनुअल रीपेमेंट है क्या? एनुअली इन अरियर्स,
तो एक्स, चलो अगर हम लोग का एनुअल रीपेमेंट है तो एक्स ए 10 at 12% प्लस एक्स ए 10 at 14% वी टू द पावर 10 at 12%। क्लियर करो उसको। तो बेसिकली दिस एंटायर थिंग, तो एनुटी रेट्स निकाल लेते हैं ना, एनुटी निकाल लो विच इज नथिंग बट ए 10, यही तो निकालना है हमें। 1 minus 1 plus i होल टू दी पावर -10 divided by i। ठीक है, अब इसको कर लो, देख लो एक बार रीपेमेंट कैसे कहाँ थी, आओ जल्दी। अब देखो रीपेमेंट कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय पहला वाला एनुइटी प्लस दूसरा वाला एनुइटी इनटू 1 plus i 12% वाला टू दी पावर -10। आंसर मैच करो। दैट्स इट। नहीं, एक्सेल है। गुड क्वेश्चन, वेरी क्रिएटिव। तो फिर हम लोग को एक्सेल यूज करने का जरूरत ही नहीं है यहाँ, बल्कि ज्यादा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। टेबल बुक में 5 डेसिमल्स तक है। नेक्स्ट पार्ट हो गया सबका। हाँ, इसमें भी लगेगा क्या आधी घंटा? नेक्स्ट बोला है, द कंपनी डिसाइड्स दैट इट वुड लाइक टू रीपे द लोन एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सो पेज ऑल द इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट बी इन टू द लोन अकाउंट एज इट इज रिसीव्ड। मतलब अब क्या करें कि जो लोन है, अब ये नहीं समझोगे तो आगे नहीं समझ में आएगा। जो आपने लोन लिया है, ठीक है, अब लोन को जब रीपे करें तो हमेशा 1 lakh 2000 नहीं कर रहे, जैसे जैसे पैसा आ रहा है प्रोजेक्ट में वैसे वैसे लोन रीपे करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आया आंसर? आया नहीं? आया ना, करो निकालो। क्यों नहीं आया? तुम्हारे को नहीं बोल रहे हैं क्या? इश्यू हो रहा है बोलो। तुम घर में एक्सेल प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट किया ना खुद से करना? इतना स्लो नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें 5 मिनट्स मैक्स लगना चाहिए। 5 मिनट्स में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। ट्राई टू मेक द इक्वेशन ऑन योर ओन। जिनका हो गया वो नेक्स्ट करो खुद से। तो बोल रहे हैं जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे देते जाएंगे। इन इयर्स व्हेन इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द लोन रेगुलर लोन रीपेमेंट एनी शॉर्टफॉल इज एडेड टू द आउटस्टैंडिंग लोन। ये जैसा होता है हमेशा।
Construct the loan schedule and calculate the calendar year in which the loan is fully. अब क्या हो रहा है कि जितना मैंने बोल रहे हैं मिनिमम इतना तो पे करना ही है, इससे ज्यादा अगर आपका पैसा बन रहा है आ रहा है तो आप उससे ज्यादा पे करो, ये बोला है क्या क्वेश्चन में? या क्या बोला है कि जितना आ रहा है उतना ही पे करना है, जितना आ रहा है उतना ही आपको पे करना है. तो बेसिकली नाउ यू नीड टू मेक अ लोन शेड्यूल. तो मेक अ कॉपी ऑफ इस शीट में. आई थिंक इन्होंने कुछ नहीं कर रखा. अच्छा, दे हैव ऑलरेडी डन दिस. सो लेट्स डू वन थिंग, सिंस वी हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशंस हियर, यू ऑल कैन कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग इन द शीट. ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट भी क्या होगा, वहां से ले लेंगे हम लोग. एक बार देख लो एंड देन करते रहना खुद से. आई गिव यू ऑल टाइम. इनकम फ्रॉम प्रोजेक्ट भी ये होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर पे करें तो पूरे साल 70,000 कंटिन्यूअसली आया, वो हम लोग पे कर देंगे उसको अक्यूमुलेट करके ऑब्वियसली. फिर अरे यार, ठीक है, इनकम अक्यूमुलेटेड टू एंड ऑफ द ईयर भी हमने निकाला है तो आप उसको निकाला है क्या? आई डोंट थिंक निकाला है. कौन सा, ये वाला? हाँ, तो उसे लिंक कर दो. बट आप कौन से रेट पे करोगे पहले ये तो बताओ. गलत, 12 पे करना होगा ना. हाँ, नहीं, 10% और 12% लेना होगा आपको. 14%, 12 और 14, मतलब 12 और 14 लेके करेंगे इसको. सो दिस इनटू 1 प्लस 12%. बट आई थिंक ये गलत हो जाएगा. आपको ए बार करके करना होगा, आपको एस बार वन करके करना होगा ना, आपको एस बार वन करके करना होगा. लेट्स डू वन थिंग, ये सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है. मैं इसको लिंक कर देती हूँ यहीं से. ठीक है, एंड यहाँ हम एस बार वन निकाल लेते हैं. एस बार वन, 1 प्लस I माइनस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि चेंज हुआ है ना रेट्स, तो जो चेंज रेट्स है वही यूज करना होगा ऑब्वियसली, दूसरा कैसे यूज कर सकते हैं. सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मेक इट एब्सोल्यूट. दिस विल बी फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स एंड देन दिस विल बिकम दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 14 ईयर्स वाला. फोर्टीन परसेंट वाला, सॉरी. ठीक है, इफ फंक्शन भी लगा सकते थे. अगर 10 ईयर्स या 10 ईयर्स से छोटा है तो ये होगा, बड़ा है तो ये होगा.
एस बार वन। देखो यहां पे ना क्वेश्चन में रेस चेंज हुआ है। समझो पूरा साल जो तुम्हारा आ रहा है इनकम, अब जब तुम उसको लोन रीपेमेंट के लिए कैलकुलेट करेगा तो तुमको तो यही इंटरेस्ट लेके करना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं इकोनॉमी में, ऐसे क्लियरली इन्होंने बोला नहीं है। तो अगर तुम 10% वाला भी लेके करता है तो आई डोंट थिंक दे विल डिडक्ट अ लॉट ऑफ मार्क्स, माइट डिडक्ट 1 मार्क। बट लेके हम लोग को 14 एंड 12 ही करना पड़ेगा बिकॉज इट्स चेंजिंग ना, दैट इज वाई। इंटरेस्ट रेट्स इज चेंजिंग आफ्टर दिस फ्रॉम द न्यू क्वेश्चन, मतलब न्यू पार्ट्स। बट अगर तुम 10% वाला भी लेके करेगा तो तुम्हारा मार्क्स ज्यादा डिडक्ट नहीं करेंगे, सो इट्स ओके। ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या होगा? ये हो जाएगा रीपेमेंट इज इक्वल टू, अब रिपेमेंट कॉलम में या तो अपने गिफ्ट फंक्शन लगाएंगे, वो मैं बाद में सिखाऊंगी कैसे लगाते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक तुम लोग को आता है वो। ये वाला अमाउंट बिकॉज वट एवर अक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट ड्यू विल बी दिस मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है जितना पैसा प्रोजेक्ट से आ रहा है वो तुमको रीपेमेंट करना है, वो उसी को तुम रीपेमेंट करोगे। सो इफ दिस इंटरेस्ट, इफ दिस टाइम इज लेस देन इक्वल टू 10, तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई इसको 12% से, अदरवाइज 14% से, मेक इट एब्सोल्यूट। ठीक है, एंड ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट पेड कितना होगा? इंटरेस्ट पेड कितना होगा? ड्यू इतना है तो इन दोनों का मिनिमम ही तो आप पे कर पाओगे, इन दोनों का मिनिमम ही तो आप पे कर पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू आ रहा है 90,000 बट आप लोन रीपेमेंट कर रहे हो 74,000 का, तो इंटरेस्ट एलिमेंट तो खाली 74,000 ही कंसिडर होगा, है ना? अब इन्होंने कॉलम बनाया तो वी आर मेकिंग इट, अदरवाइज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ड्यू बन रहा है 90,000 का बट तुम पे कर रहे हो रीपेमेंट 70,000, तो तुमने इंटरेस्ट एलिमेंट कितना पे करा है? ठीक है, कैपिटल रीपेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीपेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेड, यही तो होगा, यही तो होता है। यहाँ पे 0 है, कुछ कैपिटल रीपे नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं, रीपेमेंट माइनस इंटरेस्ट ड्यू करना होगा, नहीं तो आएगा नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तब भी तो तुम्हारा यहाँ पे रीपेमेंट में लोन आउटस्टैंडिंग में दिस माइनस दिस होगा ना, इंक्रीज होगा वैल्यू। इन्होंने बनाया है, ठीक है बना लेते हैं। एक्चुअली मतलब है आपका इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन इतना ही हो रहा है, अब तुम अगर इन दोनों को इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन तुम्हारा इतना ही जा रहा है, था इंटरेस्ट 90,000 कंसिडर होगा, दिस माइनस दिस ही करना होगा। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कॉलम बना दिया है कि कितना तुम पेमेंट कर रही हो एवरी ईयर।
तुम्हें 12% से नहीं निकाली, देखो एक बार, फॉर्मूला गलत है, ब्रैकेट्स चेक करो। अब देखो नेक्स्ट ये हो जाएगा, लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। अगर एक बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ड्रैग कर देंगे। अब देखिए देखो हो क्या रहे, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा लोन आउटस्टैंडिंग बचा है 31,000 का, ठीक है। इसको मैं एक बार, तुम्हारा लोन आउटस्टैंडिंग बच रहा है 31,000 का इस साल, एंड तुम्हारा अक्यूमुलेटेड वैल्यू नेक्स्ट ईयर दैट यू आर अर्निंग इज 3,18,000। ऑब्वियसली यू विल नॉट पे दिस मच, बिकॉज अगर तुम्हारा खाली 31,000 ड्यू है तो तुम 31,000 जो ड्यू है इनटू उस पे जो इंटरेस्ट है, प्लस उस पे जो इंटरेस्ट है उतना ही तो पे करेंगे ना। मतलब 31,000 प्लस ये जो 3,000 है 700, यही दोनों आइडियली पे करना चाहिए। योर के स्टार्ट में 3,000 और 31,000 ड्यू है, पूरे साल का इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ 3,799 का, तो उन दोनों का एडिशन ही तो पे करना होगा। बट वी आर पेइंग हाउ मच, 318, तो ऑब्वियसली नेगेटिव जाएगा। सो बेसिकली योर जो तुम्हारा लोन, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि लोन कब खत्म हो रहा है, लोन इस ईयर में एक्चुअली खत्म हो जाएगा, 10th ईयर में खत्म हो जाएगा। बट क्योंकि तुम्हें आंसर अच्छे से चाहिए, अब तुमको क्या करना होगा, तुम मैन्युअली क्या कर सकते हो, तुम इन सबको हटा सकते हो मैन्युअली, बैकस्पेस प्रेस करके तुम मैन्युअली हटा दो, एंड तुम लिख दो द लोन एंड्स इन योर 10 एंड वॉट एवर द योर इज 20। कब स्टार्ट हुआ है लोन, कब खत्म होगा लोन, 10 साल बाद ना, 27, 2027 लोन खत्म हो रहा है कि नहीं। बट इसको अगर हम लोग को और अच्छे से लिखना हो, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, मतलब 100, मतलब अगर तुम लोग ऐसे भी करोगे और नीचे का हटा दोगे एंड आंसर लिख दोगे कि द लोन इज फुली रीपेड बाय द योर 2027 एट द एंड ऑफ योर 2027, तो भी मार्क्स मिल जाएगा। बट अगर तुम लोग को थोड़ा और सीखना है तो यहाँ हम लोग रीपेमेंट में क्या कर सकते हैं, योर रीपेमेंट इज नेवर मोर देन द लोन आउटस्टैंडिंग ड्यू प्लस द इंटरेस्ट ड्यू, इट कैन नॉट बी मोर देन दैट, इट शुड बी लेस देन दैट ऑलवेज। तो आप क्या करोगे, देखो वी विल राइट एन इफ स्टेटमेंट दैट इफ इफ दिस अमाउंट, इफ दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू द रीपेमेंट फिगर विच यू आर मेकिंग, तो आप कितना पे करोगे, इतना ही पे करोगे या फिर आप रीपेमेंट अमाउंट पे करोगे। अब अगर मैं ये वाला रन करूं एंड इसको मैं ड्रैग करूं, तो देखो ये अपने आप इधर 0 आ गया एंड इस साल मेरा लोन रीपेमेंट हो गया। क्या किया मैंने, मैंने बोला अगर ये प्लस ये लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, लोन आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट ड्यू जो अमाउंट है आपके लेवल रीपेमेंट, जो भी आप रीपेमेंट कर रहे हो, लेवल नॉन लेवल जो भी आप कर रहे हो, उससे अगर कम है तो आप क्यों ज्यादा पे करोगे। सपोज एवरी ईयर लेवल रीपेमेंट आई एम मेकिंग ऑफ 1 लाख, अब इस साल जाके मेरा लोन आउटस्टैंडिंग हुआ 50,000, उस पे 10,000 का मेरा इंटरेस्ट है, तो 60,000 पे करना है टोटल बैंक को, 1 लाख क्यों पे करेंगे। तो वही मैंने किया, इफ स्टेटमेंट डाला दैट इफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट प्लस इंटरेस्ट इज लेस देन द रीपेमेंट अमाउंट दैट आई एम मेकिंग, तो आई विल जस्ट पे लोन आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट, जो कि मेरे लास्ट ईयर में हो रहा है।
लास्ट ईयर में क्या हो रहा है, मेरा जो लोन आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट है ये और ये है, ये मेरा सम आ रहा है 35,463 का। यहाँ देखो लास्ट नीचे 35,463 का, तो मैं थोड़ी ना उन लोग को 3,18,000 पे करूंगी, मैं तो इतना ही पे करूंगी एंड मेरा लोन खत्म हो जाएगा। तो ये एक इफ स्टेटमेंट आप लोग यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो हेंस द लोन इज रीपेड बाय योर 2027। ये जो 2027 आया इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहा था, 2018 में +10 करके। करो इसको, क्या मिनिमम ऑफ ये दोनों करो, आंसर आया सबका? ठीक है कंप्लीट करो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट वो करते हैं, पेपर स्टार्ट।